यहाँ पे आके इतना सुकून मिला जितना कहीं नहीं मिला, इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत, मन भर गया, कहीं नहीं, बहुत सही, बस ऐसा लग रहा है यहीं पे रह जाए। तो फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम है, पहली बार। हर बार अलग ही होता है, मतलब होता है ना कि हमेशा अच्छा लगता है कि हर बार आओ, ऐसा नहीं होता बोर, हर बार कुछ न्यू मिल, न्यू कुछ मिलता है। अभी देखो एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है, यहां मिलने वाले पसंद है। सो फर्स्ट टाइम होली पे आए हो? हां, होली पे, होली पे आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड लगा होगा अभी, पर अच्छा लगा, दर्शन वर्शन सब हो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। भाई सामान वामान देख रहे हो आप कैसा हो रखा है, उतर पुतर हो रखा है। ये भाइयों ने अपना रूम छोड़ दिया, मैंने मना कर रहा हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर ये जा रहे हैं जबस्ती, ये जा रहे हैं अपने घर। मैं कह रहा हूँ भाई अच्छी वाली होली भी होने वाली है, वो भी देख के जाओ। अभी बची जलने वाली होली, जिसके अंदर होता है होली का दहन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पूरे गांव में बहुत बड़ा सा एक घर जितना बड़ा पूरा भूसा चलाते हैं एक साथ, उसका मजा ही अलग है भाई। बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं बहुत दूर दूर से, तो वो भी तो देखना है भाई। पर आज है छुट्टी, आज होली नहीं है कहीं पे भी, आज हम एक्सप्लोर करने वाले वृंदावन बड़े मजे से। उससे पहले पहले आपको बता दूं, मेरे ना पेट में कूद रहे चूहे, मेरे पेट में तो कूद ही रहे, मेरे अलावा किसी और के भी कूद रहे बड़ी देर से, पर उसको मैं रोक के बैठा हुआ हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप भाई? बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भूख तो लगी है, एक क्या दिखा रहा हूँ भाई ने अभी तेल खोला था, तेल निकल गया, ठीक है, तेल निकल गया तेल, तेल तो दिखा दो, तेल की बॉटल उल्टी कर दी थी, ठीक है, और तेल निकल गया है। और ये सखी भी हमारी भाई, सखी से दाढ़ी जो तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में पहुंचे कैसे? वो पेट में इसलिए पहुंच गए क्योंकि वो सुबह से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए वो वहां पहुंच गए। तो फटाफट चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए, रुकते नहीं। सो भाई हम रूम से बाहर आ गए, अब हो गई एक दिक्कत, मेरे पास है एक ही दन्नो और बंदे हैं तीन, और ट्रिपलिंग तो हम यहाँ करते नहीं है क्योंकि भाई ये जो भाई ये डरता है। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पास ही आ रहा, आधा किलोमीटर ट्रिपलिंग करके जा सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं दो चक्कर काट लूंगा। भाई आप जाओ पैदल पैदल, मैं आधे रास्ते में आपको लेने आऊंगा। भाई तूने गलत बोला, मैं भी पीछे बैठ सकता हूँ, तेरे से बाइक चलेगी नहीं फिर, याद है ना उस दिन भाई इसने कार वाला ठोक दिया था उस दिन, है ना? कब? कुछ भी, पीछे वाले टायर के नीचे तेरी दन्नो, पीछे वाले टायर के नीचे तेरी दन्नो आ गई थी, पीछे वाले टायर के नीचे मेरी दन्नो आ गई थी, और ये अभी भी चल रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये ऐसी बातें करते रहेंगे, ये बोलने नहीं देंगे, फटाफट चलते खाने के लिए, भूख लगी बहुत तेज। टाइम हो रहा है दोपहर के तीन, खाना खाने हम पहुंच चुके हैं। जो बाकी दोनों भाई हैं वो रिक्शे से आ रहे हैं, उनका भी इंतजार कर लेते हैं। वैसे मैंने खाने का सारा चीज़ें ऑर्डर कर दिया, रोटियां जब वो आएंगे तभी लग जाएंगी। इसके बाद हमें वृंदावन भी जाना है, वृंदावन में चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है, तो फटाफट खाते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे, और आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखाते हैं अपने वीडियोज़ के जरिए। सो भाई अपने यूपी से ही लखनऊ से भी भाई आए हुए हैं, कहाँ कहाँ घूम लिया भाई? बस यही तो लोकल, आगरा, आगरा, मथुरा, वृंदावन। होली होली देखी यहाँ की? खेल के कहाँ से खेल के आया आज? ये वृंदावन, वृंदावन में। मैं सोचा वृंदावन में आज होली नहीं हो रही, पर वृंदावन में भी होली खेल के आया, प्रेम मंदिर में भी खेल के, प्रेम मंदिर में। और हम प्रेम मंदिर ही जाने वाले हैं अभी वृंदावन के अंदर, मजा काफी आने वाला है वहाँ पे। प्रेम मंदिर फर्स्ट टाइम है मैं जा रहा हूँ, मैंने उसकी बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है, बहुत खूबसूरत मंदिर है ना भाई? बहुत खूबसूरत। चलो आप सब लोगों को भी दिखाता हूँ वृंदावन का प्रेम मंदिर। सो आज आ गया मेरा सारा फेवरेट फेवरेट वाला खाना, मतलब ये पालक पनीर, ये दाल तड़का, और ये कर लो चोरी, कर लो कर लो, ये मेरी प्लेट से चोरी कर रहे हैं भाई, और ये कड़ी बढ़िया वाली। तो दोस्तों खाना वाना बढ़िया सा खा लिया था हमने, दोनों भाई पेट पूजा ढंग से पूरी कर ली है भाई, नींद लगना शुरू हो चुकी है, इतना ज्यादा खाया, ज्यादा खा लिया भाई ने, खाया ना लेट भी खाया था इसलिए, और ज्यादा खा लो ना तो नींद ज्यादा आती है, पर मैंने ज्यादा नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आ रही है। अपन जा रहे हैं पहले चीरघाट, उसके बाद जाएंगे प्रेम मंदिर। तो चीरघाट पे कहानी क्या है भाई बताना जरा? यहाँ में ना भगवान श्री कृष्ण ने ना बचपन में गोपियों के बस्तर चुराए थे ना, जब वो नहा रहे थे नदी में, इसके पीछे बहुत ज्यादा कहानी है। अच्छा। अगर सिंपल लॉजिक समझोगे तो आप तो भगवान कृष्ण को ही दोषी मानोगे। अच्छा, बट रियलिटी में कुछ हो रहा है भाई। अच्छा चलते हैं, बाहर जाके कहानी सुनाएंगे। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो कुछ रीजन होगा तभी उन्होंने चुराए थे, तो वो देखने चलते हैं क्या रीजन था और क्या चीजें हैं वहाँ पे। तो चीरघाट, क्या नाम है? चीरघाट। ब्रो
तो हम पहुंच चुके हैं बेसिकली चीरघाट है तो इस साइड में, लेकिन आपको बता दूं ये पूरी गलियां हैं यहाँ पे ना, कार आ नहीं सकती, तो काफी दूरी पे आपको कार पार्क करनी पड़ेगी। अगर आप कार से आ रहे हो तो आप ई रिक्शा से आ सकते हो यहाँ पे। हमने यहाँ तो अपनी धन्नो खड़ी कर दी है, धन्नो तो हर जगह पहुंच जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो चलते हैं चीरघाट पे एग्जैक्ट, जहाँ घाट पे श्री कृष्ण जी कभी आया करते थे वहीं पे। सो बचपन में ऐसे कुछ डमरू से खेला करता था मैं, आज काफी दिन बाद दिखे हैं ये मुझे, बड़ा अच्छा साउंड करते थे। आई अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कैसे बजते हैं, अच्छा ऐसे बजते थे काफी अच्छे से होते थे, बड़ा मजा आता था इन्हें बजाने में। एक बात बताऊं, कोई बंदर दिखने में तो आपको बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे होंगे, लेकिन ये बंदर ना मोबाइल चुरा के ले जाते हैं। अगर आपने मोबाइल बहुत लूजली छोड़ा हुआ होगा तो मेरी सुनो, यूपी की पुलिस ना भी रिश्वत नहीं लेती है, मंकी ना रिश्वत लेते हैं फोन वापस देने के लिए ना। नहीं ऐसा होता ना, ये मंकी खाने के भूखे होते हैं बेचारे, बेजवान होते हैं ना, वो मोबाइल ले जाते हैं, फिर अगर आप उन्हें खाना दे दोगे ना या फ्रूटी व्रूटी दे दोगे तो ये मोबाइल वापस दे देते हैं। तो अगर आप हो तो इन्हें वैसे ही फ्रूटी खिला देना अगर आप यहाँ आओ, ठीक है ना, मोबाइल बचा के रखना बस अपना, बाय चांस इन्हें कहाँ समझे मोबाइल फेंक भी सकते हैं। सो बेसिकली हम पहुंच चुके हैं चीरघाट और ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत सा है, काफी पुराने पुराने मॉन्यूमेंट से दिख रहे हैं सारे बने हुए, मतलब पुरानी इमारतें हैं सारी। सामने यमुना टेम्पल, ठीक है, क्योंकि सामने यमुना नदी है ना तो जीरा टेम्पल। और मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हो ना, इसी पेड़ पे श्री कृष्ण जी आगे बैठा करते थे कपड़े वपड़े चोरी करने के बाद। बेसिकली वो अटखेलियां, मतलब बच्चे होते ना उस टाइम पे, तो वो मजाक मस्ती करते रहते थे जो जो लोग यहाँ पे आते थे उन लोगों के साथ। तो यही वो पेड़ है बचपन में आया करते थे। यहाँ की तो वाइब्स ही अलग है यार, बहुत प्यारी वाइब्स है, अगर आप कभी यहाँ होगे तभी समझ में आएगी आपको, वैसे तो फोन में या वीडियो में देखने में नहीं आएगा, लेकिन काफी मजा आता है। आजकल तो बंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे अब श्री कृष्ण जी तो है नहीं तो यही रहते ना यहाँ पे, और ये भी एक भगवान का रूप ही है। इस जगह को देख के एक चीज मैं समझ सकता हूँ कि पहले ना नदी का फ्लो काफी अच्छा हुआ करता होगा, अब तो फ्लो बिल्कुल कम हो चुका है पोल्यूशन के चक्कर में, तो नदी यहाँ तक आती होगी क्योंकि यहाँ सिडिया विडिया बनी हुई है और चीरघाट यहाँ तक था, तो ये बेसिकली तभी के हिसाब से बना हुआ है। आप देख लो बहुत पुराना है ना, अभी तो रिसेंटली थोड़ा बना है, अब तो देखो वहाँ सड़क भी बन चुकी है और पानी सिर्फ उसके पीछे पीछे रहता है, उधर से इस तरफ आता भी नहीं है, काफी पोल्यूशन हो चुका है हमारे शहरों में। अब ऐसे ही पूरे शहर में छोटी छोटी सी झांकियां निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, होलियां खेल रहे हैं, पूरे शहर में लगातार होली चल रही है अलग यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको सारी बढ़िया बढ़िया वाली होली, हिस्टोरिकल होली जहाँ पे खेली जाती है ना, वो सारी होली दिखाई है अपने वीडियोस के थ्रू, और ऐसी बढ़िया बढ़िया होली आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको दिखाता रहूंगा। सो अभी अभी एक भैया बता के गया हमें, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ का नाम है कदम का पेड़। ऐसे कई सारे पेड़ हुआ करते थे पर ये अब एक ही पेड़ बचा हुआ है यहाँ पर, बाकी सारे कदम के पेड़ हट चुके हैं। बेसिकली जो श्री कृष्ण जी थे ना, उन्होंने ये भी बताया, श्री कृष्ण जी ना बेसिकली जो कपड़े चोरी करते थे गोपियों के, वो इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ से ना गाँव के लोग निकलते थे, और ये ना मतलब एक पब्लिक एरिया था, और जो लेडीज़ यहाँ पर आती थी या जो गोपियाँ आती थी यहाँ पर, वो नग्न होकर नहाती थी, मतलब कपड़े उतार के बाहर, तो वो उन्हें मतलब कि सबक सिखाने के लिए कपड़े उठा के पेड़ के ऊपर बैठ गए थे, ताकि उन्हें समझ में आए, ताकि ऐसे नग्न होके नहीं नहाना, कपड़े पहन के नहाना नदी में, यमुना नदी में ना, ताकि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके थ्रू उनके लिए ऑकवर्ड ना लगे और आप लोग भी ऑकवर्ड ना हो इसलिए। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसे नहीं करता कोई भी, है ना, और वो तो भगवान जी थे तो उन्होंने कोई रीज़न सोच के किया होगा, है कि नहीं भाई? हाँ राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। तो हर भगवान की कहानी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है हमेशा, वो रीजन जानना जरूरी है। सो बढ़िया तरीके से दर्शन कर लिए, काफी देर यहाँ बैठे, बहुत मजा आया, अब चलते हैं सीधा सीधा प्रेम मंदिर, वहाँ दर्शन करते हैं मंदिर के और आपको भी दिखाते हैं। तो चीरघाट पे ना बोटिंग भी होती है, अगर आपके पास टाइम हो तो बोटिंग भी कर लेना, पर अपन तो प्रेम मंदिर जा रहे हैं ना सीधा, तो इसलिए पहले प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर अपन फिर से आ जाएंगे कल या परसों में चीरघाट, बोटिंग करेंगे मस्ती यहाँ पर। चलो चलते हैं। तो भाई मथुरा और वृंदावन में ना भीड़ पर डे बढ़ते ही जा रही है, आज तो सबसे ज्यादा क्राउड है मथुरा और वृंदावन के अंदर, श्रद्धालु रोज प्रतिदिन आए जा रहे हैं दर्शन करने। अभी हम प्रेम मंदिर के जस्ट बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे टू व्हीलर बाइक कार कुछ भी नहीं चल रहा है सिवाय रिक्शे इसके, तो चलते हैं अंदर दर्शन करने। अब हम एंटर करने वाले हैं अंदर प्रेम मंदिर के, काफी श्रद्धालु हैं,
पूरी जैम पैक्ड हो रखा है, स्लीपर्स पहन के काफी लोग जा रहे हैं अंदर। तो मेरे ख्याल से जोड़ा अगर अंदर ही होगा तो अंदर ही चलते हैं। सो काफी ब्यूटीफुल मंदिर है, अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा क्राउडेड मंदिर, मतलब अभी तक इतना क्राउड मैंने किसी मंदिर के अंदर नहीं देखा, क्योंकि काफी ह्यूज भी है, काफी बड़ा मंदिर है। तो मैं और मेरे दोस्त भी बिछड़ चुके हैं, मतलब आगे पीछे हो गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही हम मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे ना तो मिल जाएंगे आराम से। चलते हैं अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए भी। तो बहुत सारी मूर्तियां बनी है, प्रॉपर एक आर्ट है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैंने नहीं देखा अभी यहाँ पे कहीं और ऐसा बना हुआ, बढ़िया है। सो फुल्ली मार्बल का बना हुआ और बहुत खूबसूरत दिख रहा है मंदिर, बहुत ज्यादा प्रिटी, चारों तरफ कहीं कहीं जगह में मूर्तियां बनी है, कहीं पे दीवारों पे चित्रकारी की हुई है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बढ़िया है, एक बार आपका यहाँ आना बनता है भाई, यहाँ तो काफी खूबसूरती है। मंदिर के अंदर एंट्री की जगह तो अभी नहीं मिली है, पूरे मंदिर के गोल घूम के लेफ्ट हैंड साइड से बैक साइड में आ चुके हैं और यहाँ रोक दिया गया हमें अभी गार्ड्स ने। क्या चीज है, क्या हो गया? सो कोई रथ आ रहा है तो उसके लिए हमें रोक दिया गया है, चलो वो रथ भी देख लेंगे। कृपालू जी महाराज का रथ था ये और काफी ब्यूटीफुल था, बढ़िया लग रहा था। काफी ब्यूटीफुल मंदिर है, अभी जो आपने मूर्तियां देखी वो पूरी मूविंग है, श्री कृष्ण जी की मूर्तियां हैं, वो काफी खूबसूरत है, और जैसे जैसे शाम होते जा रही है ना यहाँ लाइटिंग चल रही है और ज्यादा खूबसूरत होते जा रहा है। वो देखो मंदिर कितना खूबसूरत हो चुका है, अभी थोड़ा और अंधेरा होने दो फिर दिखाऊंगा आपको। सो अभी मुझे किसी ने बताया बेसिकली ना मंदिर प्रमाइसिस के अंदर ही ना जोड़ा घर भी है, तो काफी लोग ऐसे मंदिर से चिपका के ना जूते रख के जा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, आप मंदिर आए हो और मंदिर के प्रमाइसिस के अंदर आप मंदिर से चिपका के अपने जूते रख के जा रहे हो, सेफ्टी के लिए आप छुपा रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा ही आगे जोड़ा कर वहाँ आप अपना जूते चप्पल रख सकते हो आराम से और फिर दर्शन करने आ सकते हो अगर आपको दर्शन करने हैं तो, पर ऐसे मत करो ना, इससे आपको मतलब आस्था को भी चोट पहुँच रही है और ऊपर से मंदिर को भी, मतलब एक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, गंदा लग रहा है ना, तो नहीं करना चाहिए। तो अपन तो अपने शूज़ और चप्पल वहाँ रख देंगे। सो ये जो देख रहे हो ना आप, ये बेसिकली श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, बेसिकली ये जगह तो नहीं है जहाँ पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है वो जगह, लेकिन वो जगह ही बहुत ब्यूटीफुल है, गोवर्धन उस जगह नाम है, लेकिन इससे चित्रकारी करके पूरा दिखाया गया बेसिकली कैसे उस टाइम पे समय रहा होगा और लोग कैसे कैसे उस टाइम पे खड़े थे और श्री कृष्ण जी ने अपनी एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया था। सो ये थैले के अंदर मैंने अपने जूते रख दिए, चप्पल रख दिए और यहाँ पे ऐसे इन्हें जमा करा सकते हो आप, कोई चार्ज नहीं है कुछ नहीं है, बस एक पर्ची बना के दे देंगे आपके बैग के नंबर की और ये बैग भी आपको सामने ही मिल जाएगा इजीली, तो कुछ मेहनत का काम नहीं, बस 2 सेकंड लगते हैं और कुछ नहीं। अब हम अंदर जा रहे हैं प्रेम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, चलो चलते हैं अंदर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि अपना फर्स्ट टाइम है ना इसलिए, और मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। Oh, 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 oh
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है मंदिर। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे ना रात को बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि अभी एक लाइट शो देखने के लिए मिल रहा है, बहुत प्यारा। लगेगा कोई जिम्मेदारी नहीं। वाटर फाउंटेन के ऊपर ये लाइट शो था, बहुत बढ़िया था। कैसा लगा भाई आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया था भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो हम ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं, जो मंदिर के ऊपर वाला सेकंड वाला फ्लोर है ना वहाँ पे, और काफी श्रद्धालु ऊपर चढ़े हुए हैं, काफी भीड़ है मंदिर के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे राधे राधे का नाम जप रहे हैं और सब डांस कर रहे हैं खुशी से। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सो हम पूरे मंदिर के दर्शन करके लौट के बाहर आ चुके हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मंदिर के दर्शन करके, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मंदिर के दर्शन करके। तो जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने, कुछ लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, पूछते कहाँ कहाँ से आए हैं और दर्शन करके उन्हें कैसा लगा। तो गोवाना हरियाणा से भी लोग आए हुए हैं, कैसा लगा आपको मंदिर में? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आए? सेकेंड टाइम आए। तो आपको इतना पसंद है आप दूसरी बार भी आए? तो होली में फर्स्ट टाइम आए? होली में फर्स्ट टाइम। इस बार आपको सबसे ज्यादा क्राउड लग रहा है? काफी ज्यादा क्राउड है। अच्छी तरीके से दर्शन तो हो गए होंगे। चलो, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा आपसे बात करके। सो हमारे साथ कुछ मेंबर वेस्ट बंगाल से भी हैं। कहाँ से आप वेस्ट बंगाल से? आसनसोल। सो मैंने तो नाम नहीं सुना है, लेकिन काफी दूर से आए भाई। कैसा लगा आपको मंदिर के दर्शन करके? काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आके इतना सुकून मिला जितना कहीं नहीं मिला, इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत, मन भर गया, कहीं नहीं। बस ऐसा लग रहा है यही पे रह जाए और कहीं ना जाए। सो फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम है, पहली बार। बहुत सही था, बहुत सही। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। वैसे तो मैं लोकल ही हूँ, आगरा से ही आया हूँ, लेकिन बेस्ट है। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप भी ट्राई करने की कोशिश करो यहाँ आने की। अगर आप नहीं आए हो तो जरूर आना बनता है कि नहीं भाई? एकदम जरूर आना, आने के बाद मन करेगा कि यहीं पे रह जाए और कहीं ना जाए। बिल्कुल, इतना मोह देने वाली जगह है, यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो कुछ मेंबर अलीगढ़ से भी आए हुए हैं यहाँ पर, कैसा लगा आप लोगों पर यहाँ पे? अमेजिंग, क्या बहुत ही पीसफुल प्लेस है यहाँ पे, आके हमें बहुत पीस मिली। बहुत पीस मिली, अच्छा लगा काफी। फर्स्ट टाइम है आप लोगों का? नहीं। अच्छा, हर बार अलग ही होता है, मतलब होता है ना कि हमेशा अच्छा लगता है कि हर बार आओ, ऐसा नहीं होता बोर। हर बार कुछ न्यू मिल, न्यू कुछ मिलता है। अभी देखो कुछ नहीं मिल रहा है यहां, यहां मिलने वाले पसंद नहीं। सो फर्स्ट टाइम होली पे आए हो? हां, होली पे, होली पे आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड लगा होगा अभी, पर अच्छा लगा, दर्शन वर्शन सब हो गए। वैसे जब ज्यादा लोग भी होते ना तो आपको फीलिंग आती है, वो जो फीलिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, तो वो काफी अच्छी थी आज की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो भाई, लोगों से भी बातें कर ली और दर्शन भी बढ़िया तरीके से कर लिए। भाई अपन को वापस मिल चुका है, क्या कर रहे हो भाई? भाई अपन को वापस मिल चुका है, भाई भी इतना मगन हो चुका था दर्शन करने के बाद, किसे खुद ही याद नहीं रहा मैं आगे चल रहा था, इसने मुझे भूल गया देख के और आगे निकल गया कहीं और। चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। आप भी जब कान्हा जी के दर्शन करने आओगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आप अपने फैमिली मेम्बरों को ही खो दोगे। तो चलते हैं बाहर। फाइनली काफी चलते चलते इतनी भीड़ में हमने अपनी बाइक ढूंढ ही ली है, बाइक पे पहुंच गए। अब फटाफट चलते सीधा यहाँ से जन्म स्थल, जहाँ पे अपना क्या है रूम है, रूम पे चलते हैं सीधा। So, दोस्तों हम रूम में वापस लौट के आ चुके हैं। वैसे तो हमने कुछ भी नहीं खाया रास्ते में, हमने लिए थोड़े से फ्रूट और रूम में लेकर आ गए। अब मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, कुछ डिफरेंट लगा तो नीचे कमेंट करो फटाफट, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, जो अच्छे कमेंट होते हैं ना वो तो जरूर ही पढ़ता हूँ, तो फटाफट कमेंट करो, ठीक है ना? बाय बाय।
टेक केयर, और कल भी बढ़िया व्लॉग आने वाला है, कल भी हम कुछ नया ढूंढने वाले हैं वृंदावन के अंदर। राधे राधे।